11 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग। 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज से थम जाएगा पहले चरण का प्रचार। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर में जनसभा को किया संबोधित। इसके अलावा पीएम आज कर्नाटक और तमिलनाडु में भी करेंगे बड़ी रैलियां। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इसी भावना पर नए भारत के निर्माण के लिए हम देश के जन जन, देश के हर नागरिक की भागीदारी चाहते हैं। लातूर की रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। पीएम से की अपील, कहा पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा दो। नाराज लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मनाने पहुंचे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह। घंटे भर से भी ज्यादा चली मुलाकात। अमित शाह और सीएम योगी की देर रात तक चली बैठक। अवध की 16 सीटों पर हुआ मंथन। इन सभी 16 सीटों के प्रभारियों, संचालक, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों के साथ चुनाव प्रबंधन पर की बात। अयोध्या मामले के लिए केंद्र सरकार की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा। याचिका में अदालत से विवादित भूमि पर फैसला करने को कहा। जैश कमांडर निसार अहमद का बड़ा खुलासा, कहा उसे पुलवामा हमले के बारे में था पता। यूएई से 31 मार्च को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था निसार। दूरसंचार के बाद अब रियल एस्टेट क्षेत्र को बदलने की तैयारी में मुकेश अंबानी। मुंबई में बनाएंगे वर्ल्ड क्लास मेगा सिटी। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज होगा मैच। चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।